दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना ने इशारों ही इशारों में उन लोगों को संकेत दिया जो पंचायती राज चुनाव में बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सोलन पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जो कोई पार्टी का नहीं होगा वह जनता का क्या ही होगा, इसलिए लोगों को चाहिए कि उन उम्मीदवारों के लिए मेहनत करें जिन्हें पार्टी ने समर्थन दिया है। इससे पहले सोलन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि अभी से ही 2022 के चुनावों की तैयारी कर लें। इससे पूर्व सह प्रभारी संजय टंडन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और नेतृत्व विहीन पार्टी बताया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सहित कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके कैंडिडेट्स के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी लेती है। हमने सभी जगह जिनको समर्थन देना था उनको समर्थन दिया है। जो समर्पित कार्यकर्ता समर्थित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा, उनको ही हम जिताएंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टी हमारी माँ है। जो लोग पार्टी के नहीं हुए वो लोगों के भी नहीं होंगे, इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को समर्थन दिया है वो अखबारों में भी आ गया है, कार्यकर्ता ने अनाउंस भी कर दिया है, उनको जिताएं ताकि जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो हम नीचे तक उनको लागू कर सकें। किस तरह की तैयारी जिससे आगामी चुनाव आ रहे हैं? देखो, भारतीय जनता, मुझे खुशी है कि हिमाचल जो है ये कैडर बेस पार्टी है यहाँ पर, और 7200 से ऊपर बूथ हैं। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है और हर बूथ पे ही हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य सरकार है, पूरा कोई ना कोई लाभार्थी, कोई ना कोई लाभ इन लोगों को मिला है। एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है जो लाभार्थी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमने कहा है कि 100% वोटर से संपर्क करना और मैक्सिमम पोलिंग करवाना और मैक्सिमम लोगों को बूथ पे लेके जाना। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बलबूते पर हम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जहाँ पर पंचायत के चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। सर, जैसे मतलब अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से तो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ पार्टी चुनाव के बाद कार्रवाई, एक सिस्टम होता है पार्टी का, जैसे ऐसी सूचना आती है तो उसका मैटर डिसिप्लिन कमेटी में जाता है, फिर वो डिसिप्लिन कमेटी है वो निर्णय लेती है। सर, जिस तरह से कई जगह गुटबाजी है कुछ और नजर आता है तो उसको समाप्ति के लिए किस तरह की बात, मान के चलो ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, इसको बोलते हैं मतभेद। लेकिन हमारी पार्टी में मनभेद नहीं है, हम सब एक हैं, एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक मिशन के साथ काम करेंगे। सर, एक बात देखने में आ रही है कि जो जो सीटें रिजर्व हुई है वहाँ पर पहले मान लो पति चुनाव लड़ रहा था, अब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ रही है, ऐसी स्थिति में एक बात देखो डेमोक्रेसी है, हम विनिबिलिटी देखते हैं, जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।